नमस्कार दोस्तों, मैं शिखा पटेल, एक रेकी ग्रैंड मास्टर, आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको टैरो कार्ड रीडिंग के बारे में बताने जा रही हूँ। ये देख रहे हैं आप, ये कार्ड्स रखे हुए हैं, इनको टैरो कार्ड्स बोला जाता है। और इसके माध्यम से हम अपने किसी भी प्रश्न का आंसर निकाल सकते हैं। और किसी भी हम दुविधा में हैं, हमको समझ नहीं आ रहा कि हमको क्या करना चाहिए, तो हम इनका सहारा लेकर हम ईश्वर से गाइडेंस मांग सकते हैं कि प्रभु हमें क्या करना चाहिए। या कुछ भी प्रश्न है आपका, आप इनके माध्यम से आंसर ले सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड ईश्वर से, ब्रह्मांड से कनेक्ट होता है, और उसी सबकॉन्शियस माइंड के इंट्यूशन से, पावर से मैसेज हमारे पास आते हैं, कार्ड के माध्यम से, स्पिक्चर के माध्यम से, ताकि हम सामने वाले की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। भगवान ने बहुत सारी चीज़ें हमको दी हैं जिससे कि हम सकारात्मक सोच सकें और हमें अपनी सॉल्यूशन मिल सके प्रॉब्लम का। क्वेश्चन के जो आंसर हमको नहीं मिलते, वो ऐसी एनर्जी फील्ड से, एनर्जी के माध्यम से, इस प्रकार की टेक्निक से हम अपनी लाइफ में लेकर आ सकते हैं दोस्तों। तो उसी तरीके से डाउजिंग, और डाउजिंग के बाद अब टैरो कार्ड, जो एनर्जी विज्ञान में बहुत ज़्यादा फेमस है और इसकी रीडिंग को बहुत सही माना जाता है। बट स्पिरिचुअली कनेक्ट होना, ध्यान में अच्छा होना, वही व्यक्ति इसको अच्छे से कर सकता है। तो मैं आज आपको बताती हूँ टैरो कार्ड से कैसे अपने प्रश्नों के उत्तर आप निकाल सकते हैं, और लोग कैसे टैरो कार्ड के माध्यम से बहुत सारी चीज़ों को सॉल्व कर लेते हैं। यदि आप रोज़ टैरो कार्ड से गाइडेंस लेंगे तो हमेशा सकारात्मक रहेंगे, ईश्वर आपसे क्या बोल रहा है उस पर आप फोकस करेंगे, ईश्वर की कही हुई बात पर आप आगे बढ़ेंगे, तो आपकी लाइफ बहुत इजी हो जाएगी। तो दोस्तों, आंखें बंद कर लीजिए और आंख बंद कर अपने ईश्वर से प्रार्थना करिए कि आप मुझे सही मार्गदर्शन दें। तो आप आँखें बंद करके 2 मिनट का मेडिटेशन करिए, अपने ईश्वर से प्रार्थना करिए। दोस्तों, आँखें बंद करिए। हे मेरे ईश्वर, हे मेरे इष्ट देव, मैं इस टैरो कार्ड के माध्यम से आने वाले फ्यूचर के लिए आप मुझे क्या बोलना चाहते हैं, मेरा मार्गदर्शन करें। आंखें बंद कर अपने ईश्वर से प्रार्थना कर अपने मार्गदर्शन के लिए ईश्वर से बोलिए। आंखें खोलकर इन तीनों कार्ड में से, इसके ऊपर क्रिस्टल्स है, इसके ऊपर पिरामिड है, इसके ऊपर आपका स्फटिक रखा हुआ है, तीनों में से जो पाइल आपको अट्रैक्ट करती है उसको चूज कर लीजिए। आप तीनों कार्ड में से कोई एक कार्ड, एक पाइल आप चूज कर लीजिए। उम्मीद है कि आपने चूज कर ली होगी दोस्तों। अब मैं बताती हूँ कि पहले पाइल में क्या है, ये वाला। जिसने भी चूज किया ये क्रिस्टल, ये मैसेज ईश्वर का, परमात्मा का, उसी व्यक्ति के लिए है। देखिए, द मून का कार्ड आया है। इसका मतलब है कि आपको अपने माइंड पर, जो चंद्रमा है, आपका जो मन है, उस पर कार्य करना है। और चंद्रमा की एनर्जी आपको शक्ति प्रदान कर रही है, चंद्रमा की ऊर्जा आपको शक्ति प्रदान करेगी। इसी तरीके से आपका आने वाला फ्यूचर चमकदार और ब्राइट होने वाला है। आपको लोगों की नहीं सुननी है, लोग कुछ भी कहें, बट आपको अपने मन की सुनना है, माइंड की सुनना है, और सकारात्मक दृष्टिकोण में आगे बढ़ना है। ग्रीन कलर है जो कि उन्नति को, सफलता को, सक्सेस को दर्शाता है। ये जो है, ये लोग हैं जो आपसे कुछ बोल रहे हैं, आपको कुछ सुना रहे हैं, बट आपको अपने मन की सुनना है, शांत रहना है, ध्यान करते रहना है, और अपने माइंड पर फोकस करते हुए लाइफ में आगे बढ़ते जाना है। और जो चंद्रमा है, जो मून है, उसकी एनर्जी से आपको एनर्जी लेनी है, पूर्णिमा का ध्यान करना है, चंद्रमा पर देखकर उसकी एनर्जी को लेना है। तो इस तरीके से, और आपको कोई भी इल्यूशन होता है, कोई भी भ्रम होता है, तो पहले अच्छे से माइंड से सोच लीजिए कि वो चीज़ जो आप सोच रहे हैं वो सच है या नहीं है। अपने माइंड का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा करिए, और आने वाला समय इसी तरीके से रोशनी बिखेरेगा, आपको सफलता मिलेगी, आपकी लाइफ में चंद्रमा के समान एक ऊर्जा का जरूर से ज़रूर प्रादुर्भाव होगा, आपको सफलता, सक्सेस जरूर लाइफ में मिलेगी, क्योंकि एनर्जी आपके साथ है। तो ये कार्ड बोलता है कि अपने माइंड पे फोकस करिए, लोगों की मत सुनिए, अपना अच्छा सोचते हुए लाइफ में आगे बढ़िए। ठीक है, आपको इन चीज़ों पे ध्यान देना। अब अगला कार्ड है, ये देखिए, ये कार्ड दिव्य संदेश, दृढ़ता के साथ आगे बढ़े, संकोच करेंगे तो कभी भी सफलता प्राप्त नहीं होगी। वाह, दोनों कार्ड मैचिंग है, लोगों की नहीं सुनना है, ये कार्ड बोल रहा है कि संकोच करेंगे
तो आगे नहीं बढ़ेंगे, सफलता प्राप्त नहीं होगी। संकोच नहीं करना है और दृढ़ता के साथ आगे बढ़ना है, लोगों की नहीं सुनना है, सूर्य को जल देना है प्रतिदिन, और केसर का तिलक लगाएंगे तो आपका जो आपका चंद्रमा है वो और पावरफुल होगा, आपका जो माइंड है वो शांत रहेगा, तो इसलिए केसर का तिलक लगाएं, ठीक है। अब जिसने भी ये पिरामिड वाला कार्ड चुना है इसकी रीडिंग देखते हैं। नाइट ऑफ कप, देखिए ये एक राजा के समान है, आपको एक राजा के समान अट्रैक्टिव बनना है, अपने आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका माइंड सेट सारा, आपको इतना राजा महाराजाओं की तरह जो होते हैं ऐसा माइंड सेट आपको बना के रखना है। आपके हाथ में अपॉर्चुनिटी है, देखिए सफलता आपके हाथ में है, बट आपको ध्यान देना है, ईश्वर से प्रार्थना करनी है, अपने माइंड पर, बॉडी लैंग्वेज पर थोड़ा सा कार्य करना है आपको। आपके अंदर पावर है इस राजा के जैसी, आपके अंदर भी शक्ति ईश्वर ने दे के रखी है दोस्तों, अपनी उस शक्ति को पहचानिए और दृढ़ता के साथ आगे बढ़िए। अपनी बॉडी को अपने इतना आकर्षित बना लीजिए कि कोई भी मेल या फीमेल किसी भी व्यक्ति से आप मिलते हैं तो वो आपकी तारीफ करने से ना रुके, अपने आप को इतना सक्षम आप बना सकते हैं, आपके हाथों में ही वो शक्ति ईश्वर ने दी हुई है, तो आपके अंदर बिल्कुल ऐसी काबिलियत है, एक यंग मैन की तरह आपको आकर्षित अट्रैक्टिव बनना है, उसी तरीके से आपको सोचना है, बिल्कुल भी आपको लाइफ में नेगेटिव नहीं सोचना है और कमज़ोर नहीं मानना है, आपके अंदर बहुत शक्ति है और आपके हाथों में सफलताएं भी ईश्वर ने दे के रखी है, बट आप ध्यान दीजिए और पूरे विश्वास के साथ लाइफ में आगे बढ़िए, ज़रूर से आपके अंदर ये सारी शक्तियाँ मौजूद हैं दोस्तों। अब नेक्स्ट कार्ड, आप कभी उलझन और दुविधा में हैं, आपके पास पूरा ज्ञान नहीं है, नया काम शुरू करने से पहले किसी गुरु व्यक्ति से परामर्श जरूर करें और फैसला लें। देखो दोनों कार्ड का संबंध है कि आपके अंदर ये शक्ति है, उस शक्ति को निखारना है, बॉडी लैंग्वेज और माइंड सेट कर आपको चीज़ों को लेकर आना है। उसी तरीके से ये भी है कि आप यदि किसी दुविधा में हैं, है ना, और आपके पास कोई नॉलेज नहीं है तो किसी नॉलेजेबल व्यक्ति से आप परामर्श लेकर लाइफ में आगे बढ़ेंगे ना, तो सफलताएँ आपके हाथों में ही है, आपको पता पड़ जाएगा। आपको रोज़ अपने माथे पर हल्दी और केसर का तिलक लगाना है ताकि आपका मन शांत रहे और थर्ड आई को एनर्जी मिले और ताकि आप अपनी शक्ति को पहचान कर आगे बढ़ सके दोस्तों। तो ये कार्ड आपसे ये बोल रहा है। अब हम लास्ट कार्ड को देखेंगे जिसने स्फटिक वाला चुना था, ये देखिए सिक्स ऑफ वैंड्स, आपके पास छह प्रकार की शक्तियाँ हैं, वो आपकी शक्तियाँ आपके अंदर मौजूद हैं और आपको कोई भी लाइफ में गुड न्यूज़ भी मिलने वाली है क्योंकि ये ग्रीन कलर बहुत ज़्यादा दिख रहा है और आपके हाथ में एक पृथ्वी तत्व है, ये पृथ्वी तत्व को दर्शाता है। आने वाली लाइफ में आपको स्टेबिलिटी मिलने वाली है, ज़मीन जायदाद से संबंधित कोई चीज़ आपकी लाइफ में आ सकती है और ये आपको अपॉर्चुनिटी और सफलता की ओर ले जा रहा है दोस्तों। आपका आने वाला समय बहुत ज़्यादा अच्छा है और बहुत अच्छी न्यूज़ आपको मिलने वाली है, तो आप ईश्वर का धन्यवाद करिए, लोगों के साथ अच्छा करते जाइए, लोगों की मदद करते जाइए और लाइफ में आगे बढ़ते जाइए, क्योंकि ये जो है ये पृथ्वी तत्व को दर्शाता है, तो आपका पृथ्वी तत्व आपके साथ है, तो ज़रूर से आप आगे बढ़ेंगे और पृथ्वी से संबंधित चीज़ों को, जो कि मकान है, ज़मीन जायदाद है, इससे संबंधित कोई गुड न्यूज़ आपकी लाइफ में फ्यूचर में ज़रूर आएगी, आपके माध्यम से या किसी और के माध्यम से, तो आपको लाइफ में बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट आगे मिलने वाले हैं। सकारात्मक सोच के साथ, दृढ़ता के साथ, विश्वास के साथ अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करिए। रेड कलर जो है ये देखिए, ये आपको बहुत स्पीडली आगे बढ़ाएगा, रेड कलर जो होता है ये देखिए, ये स्पीडली चीज़ों को आगे बढ़ाता है और आपको थोड़ा सा अपने गुस्से पर भी कंट्रोल करना है। आपका ग्रीन कलर आपके माइंड में, तो आपको अपना माइंड को शांत रखना है बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से और लाइफ में आगे बढ़ते जाना है दोस्तों। मैं शॉर्ट में बता रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, एक एक चीज़ की रीडिंग होती, कलर्स की, नंबर्स की, ये जो घोड़ा, ये सारी मीनिंग्स होती है, बट मैं इतना डिटेल से नहीं बता पाऊँगी, बट गुड न्यूज़ है आपके लिए, बहुत पॉजिटिव कार्ड है। अब दिव्य संदेश क्या कहते हैं, आप सिर्फ सकारात्मक सोच रखें और अपनी काबिलियत पर विश्वास रखें, समय शीघ्र बदलने वाला है। देखिए इसमें भी बोला है कि लैंड से संबंधित कोई सफलता, पृथ्वी तत्व से संबंधित कोई भी चीज़ आपकी लाइफ में आने वाली है, ये कार्ड भी आपसे जुड़ते हुए वही चीज़ बोल रहा है कि समय शीघ्र बदलने वाला है। काबिलियत पर अपने विश्वास रखिए कि आपके पास शक्ति और सकारात्मक सोच से आगे बढ़ते जाइए, यहाँ पर भी यही लिखा हुआ है। देवी शक्ति की उपासना करिए, आपको शक्ति मिलेगी और देवी दुर्गा का आशीर्वाद पाने के लिए बीच मंत्र ओम दुम दुर्गाय नमः का 108 बार जाप करना है, रेड वाले आसन पर बैठकर आपको शक्ति मिलेगी माँ दुर्गा से और आप इसी शक्ति के साथ लाइफ में आगे बढ़ेंगे और आपको सफलताएं ज़रूर मिलेगी। तो सारे कार्ड पॉजिटिव हैं, आपको बोल रहे हैं कि मन शांत कर आपको आगे बढ़ना है, आने वाला समय सब कुछ अच्छा है आपके लिए।
तो इस तरीके से टैरो कार्ड से हम कई प्रश्नों के आंसर निकाल सकते हैं। कोई दुविधा है ये जॉब करें ना करें, इससे शादी करें किससे करें, आप सारे चीज़ों के आंसर टैरो कार्ड से ले सकते हैं। ये ईश्वर की गाइडेंस होती है, बट आपका फेथ होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, और कोई भी प्रश्न है टैरो कार्ड के लिए तो आप नीचे लिखें, और टैरो कार्ड रीडिंग कराना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें, मैं रीडिंग कर आपको जवाब दूंगी कि ईश्वर आपसे क्या बोल रहा है, आपके प्रश्न का क्या आंसर है। तो दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत प्रणाम।